सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द गेमिंग विद ऑफ गेम आउट। सो गाइस, ये अपना डे 3 मतलब कि न्यू गेम न्यू। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी गाइस, न्यू डे न्यू गेम चैलेंज का ये है डे 3। और गाइस आज अपन प्ले करने जा रहे हैं स्पाइडर फाइटर 3 गेम को। और गाइस इस गेम में लेटेस्ट में एक जो है न्यू अपडेट आया था जिसमें कि आपको जो एक न्यू हीरो मिलता है जिसका नाम है रेजर वॉल्व। अब गाइस इसको कैसे क्लेम करना, कैसे लेना, वो तो मैं आगे बताने वाला। अब गाइस यदि आप इस गेम को प्ले करते हो ना, सो गाइस आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और गाइस मतलब जो है ये गेम क्या आपको पसंद है, आप ये भी बता सकते हो। और गाइस मेरे को जो है नेक्स्ट डे मतलब कि कल कौन सा गेम प्ले करना चाहिए वो भी आप बता सकते हो। बाकी गाइस चलिए इस गेम को अपन ट्राई करते हैं। और गाइस इस गेम का साइज है 200 MB। और बाकी गाइस इस गेम में जो अपना हीरो रहता है ना वो स्पाइडर फाइटर, आप यहाँ पे देख सकते हो। अपना गेम जो स्टार्ट हो चुका है। और गाइस यहाँ पे आपको जो है ना मतलब आप मतलब इसमें जो है बेसिकली आप जो टाइम पास कर सकते हो इस गेम को प्ले करके। इसमें आपको न्यू अलग अलग मूव्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब जो जब आप फाइट करते हो ना अलग अलग आपको मूव्स देखने को मिल जाता है, अलग अलग हीरो देखने को मिल जाता है। अब जैसे कि आप लेवल अप करते जाओगे वैसे ही आपका ये सब अनलॉक होता जाएगा। और गाइस यहाँ पे जो आपका न्यू हीरो आया है ना अभी, उसका हमें रेजर वॉल्व। और गाइस वो आपको देखने को मिलता है जब आप मतलब एक एड को वॉच करोगे, आपको ये एक लोकेशन में देखने को मिलेगा, वो मैं वीडियो में आगे बताने वाला। अब गाइस इस गेम का एक सिर्फ मुझे जो है मतलब अच्छी बात नहीं लगी वो है गाइस, आप जो इस गेम को नेट को मतलब इंटरनेट को ऑन करके ही प्ले कर सकते हो। और गाइस जब आप इंटरनेट को ऑन करते हो ना तब गाइस आपको जो इस गेम में बहुत ही एड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब हर 2 सेकेंड बाद जो आपको इस मतलब हर 1 मिनट बाद आपको एक एड देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। बाकी गाइस ये गेम मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसमें आपको अलग अलग मिशन देखने को मिल जाते हैं, आप इसमें फाइट वगैरह कर सकते हो। और गाइस बाकी इसमें जो है न्यू अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं। और बाकी गाइस ये जो रेजर वॉल्व है ना, यहाँ पे आप जब हीरोज़ में क्लिक करोगे और फिर गाइस यहाँ पे आप नीचे देखोगे कि मतलब लोकेशन में लोकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको उस लोकेशन में जाना पड़ेगा और गाइस वहाँ पे आपको एक ऐड को वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद गाइस आपको जो ये फ्री नहीं मिल जाएगा, मतलब फ्री में मिल जाएगा। और गाइस बाकी जो है आप इसमें अलग अलग बाकी बहुत कुछ रहता है, आपको इसको जो है बैंक में भी आपको जाना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पर बॉस फाइट भी देखने को मिल जाता है। और गाइस इसमें जो आपको आयरन मैन और हल्क ये सब भी आपको मतलब सुपर हीरोज देखने को मिल जाते हैं जिनको लेके आप जो प्ले कर सकते हो। बाकी गाइस मुझे जो और कोई भी गेम देखने को नहीं मिल रहा था, सो गाइस मैंने सोचा इस पे वीडियो बना देता। अब गाइस जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना वो अपन जो है प्ले करने वाले हैं सुपर मार्केट सिम्युलेटर को। और गाइस फिर उसके बाद जो क्लॉथिंग सेंटर सिम्युलेटर जो भी है वो भी, क्लॉथिंग स्टोर सिम्युलेटर। और गाइस आपका जो है मतलब कार गेम्स के ऊपर भी मैं वीडियोज बनाने वाला हूं। और गाइस आपका जो एमिकिन सर्वाइवल गेम है ना उसका जो न्यू अपडेट में मतलब नेक्स्ट अपडेट में क्या कुछ आने वाला है उसका वीडियो आज ही आ जाएगा शायद, बाकी या फिर कल जो है पक्के से मतलब मैं जो अपलोड कर दूंगा। और बाकी बहुत ही न्यू गेम्स अपन ट्राई करने वाले, आप भी मुझे गेम सजेस्ट कर सकते हो, मैं उन पर भी वीडियोस बना दूंगा। सो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस वीडियो को जो है लाइक करके, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना और गाइस कमेंट भी करते जाओ। सो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।